वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं आज के केमिस्ट्री के साथ। तो पहला क्वेश्चन सचिन से पूछ रहे हैं, जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। सही, इसी को हम लोग मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं और इसका आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के दंश यानी डंश में डंक होगा, ठीक है, डंक से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, यह कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। साउंडली बोलो, हम जब भी सुनते हैं या जब वीडियो देखते हैं सिर्फ मेरा ही आवाज सुनाई देता है, ये अच्छा नहीं लगता है। हम जो भी क्वेश्चन करते हैं आंसर भी उसी टाइम से होना चाहिए कि नहीं, लेकिन तुम लोग का आंसर देने का तरीका सही नहीं लगता। हम वीडियो देखते हैं, प्राय हम देखते हैं और आज भी जाएंगे तो पढ़ते पढ़ते सब देखते भी, तो आप लोग का आवाज ही नहीं सुनाई देता है, की मजा आएगा बताओ? यस सर, मजा जब तक जिंदगी में नहीं आया तो पढ़ने में भी नहीं आएगा, तो वो कभी मन खाली जबरदस्ती नौकरी घर में बोल दिया कि नौकरी करना है इसलिए इतना जबरदस्ती लगे हुए हो, इस तरह नहीं। नौकरी इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारा जो कम से कम बाल बच्चा रोड पे नहीं आएगा, कम से कम हम लोग वो अच्छा कर पाएंगे। मान लीजिए इधर कितना भी कमाए तो वो ज्यादा नहीं हो पाता, इसीलिए कर रहे हैं। तो अपना मन से, हमारा दिल कह रहा है इसलिए करना चाह रहे हैं, अदरवाइज कौन यहाँ ऐसे करता है, लोग तो ऐसे भी सर्वाइव कर ही रहे हैं। तो जो भी करो एकदम दमदार एकदम बोलो एकदम, हैं? चलो, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सिरके। ऑप्शन फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। सिरका में, सिरका में विनेगर जिसे बोलते हैं, जो खाते हैं हम लोग वहाँ पे जब तुम जाते हो खाने के लिए, क्या क्या खाते जाते हैं, गुपचुप पुचपुप जो भी खाने जाते हो तो वहाँ पे देखते हो ना सिरका लिखल रहता है, नहीं लिखल रहता विनेगर। चलो आगे बढ़ो, टमाटर सॉस में पाया जाता है? टमाटर ये हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। हाँ देखे सही बता रहे हो, सिरा अति उत्तम कच्चा माल है। सिरा, सिरा एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है? ऑप्शन फॉर्मिकस, एसिटम, ब्यूटीरम, ऑक्जेलम। एसिटम। सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल 5% में है। गर्दा जी गर्दा, यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है? वही लैक्टिक अम्ल। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर ऑप्शन दे, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सेलिसेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। हाँ, अंगूर में और इमली में दोनों में टार्टरिक अम्ल और नींबू खट्टा जो होता है वो नींबू हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। और नींबू के अंदर मैं अभी बता ही दिए, साइट्रिक अम्ल दुर्गंधित मक्खन में होता है, ब्यूट्रिक अम्ल सिरका में होता है, एसिटिक अम्ल और दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। ये मिलान वाला था हम बोल दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, बोलता है टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फोटोग्राफी में ऑप्शन दीजिए, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है? फेरस ऑक्जेलेट के रूप में। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त तो कौन सा अम्ल है? स्याही का धब्बा हटाना है, लग गया कपड़ा में, कैसे हटाओगे, कौन सा अम्ल यूज करोगे? साइट्रिक अम्ल। मतलब नहीं याद करके आता ना, कुछ हो बोल लेता हूँ, ऑक्जेलिक अम्ल इसका आंसर होगा, ठीक है। कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी प्राय बनी होती है, खतरनाक इम्पोर्टेंट है, मानव गुर्दा पथरी जो बन जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में किसी आयरन यौगिक के यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? दाग को निकाला जाता है। हाँ तो
इस तरह बोल रहा है, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पाए। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किस आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फेनोलिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। अब ये से इतना बोल देते हैं। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? यूरिया के रूप में। पथरिया किस तरह होता है? कैल्शियम। आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन दीजिएगा सर। कल ये तो बोले थे, पुत्ती रोधी, पीड़ाहारी, ज्वर रोधी और संज्ञाहारी। ऑप्शन फिर से बोलिए। पुत्ती रोधी, पीड़ाहारी, ज्वर रोधी, संज्ञाहारी। आइडोफॉर्म पीड़ाहारी। कल ये बोले थे आइडोफॉर्म, परसों तरसों बोले थे। हम लोग भी कल कहां हुआ था? कल होबे कहां किया था? तो इसका आंसर होगा पुत्तिरोधी। निम्नलिखित कार्बन यौगिकों में किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? यूरिया को। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है? यूरिया का NH2CONH2। जीके जिसका याद हो जाएगा उसका मैथ कभी कमजोर हो ही नहीं सकता, ठीक है, याद नहीं करते हो। निम्नलिखित में किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? कार्बोनेट, प्रोटीन, यूरिया, ग्लिसरीन। यूरिया। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? यूरिया में। कितना परसेंट? 46% बता दिए। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में रहता है? नाइट्रोजन सर। नहीं बता पाएगा लगता है। ऑप्शन। ऑप्शन के नहीं बता पाएगा। एमाइड, अमोनियम नाइट्राइड, नाइट्रेट। तो एमाइड के रूप में यूरिया में NH2CONH2 ना था, एमाइड ना, CONH2 बना एमाइड। बोले नहीं पता तो नहीं बता पाएगा। निम्न में से कन्हैया जी, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 46%। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन दीजिए सर। वोहलर, विलियमसन, कॉल्बे, बर्थोलेट। यूरिया सबसे पहले क्या बनाया था? क्या बोले सर? पहले बोले थे विलियमसन, कॉल्बे, वोहलर, बर्थोलेट। वोहलर। तो ये था बर्जिलियस का शिष्य, समझे कि नहीं? बर्जिलियस बोला था कि जितना भी धरती पर बनता है ना, सब बनता है भगवान के थ्रू, मतलब या तो पौधों से बनता है या तो जानवरों से बनता, जीवों से बनता है। तो इसका शिष्य था तरकरिया। अच्छा गुरु था हमारा शिष्य, समझे सर? तुम्हें सोचता है हम गुरु, हम तुम लोग इसी तरह सोचता है। तो यह प्रयोगशाला में बना, अमोनियम साइनाइड गर्म किया, बन गया यूरिया। और उसके बाद जो बनना शुरू हुआ पूरा बनते गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बेंजीन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन इसी तरह के जबरदस्त सेशन को लेकर आते रहेंगे और टाइम फिक्स कर देंगे, 3 बजे रेगुलर वीडियो आएगा, 3 बजे कंटिन्यू, 3 बजे आप लोग इस चैनल पे आप जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।